नमस्कार, आप सभी का स्वागत है भारत एक्सप्रेस में और मैं हूं स्नेहा आपके साथ। रविवार 19 मई ये वो दिन है जब पुणे के कल्याणी नगर में रात 2:30 बजे पोर्श कार चला रहे एक नाबालिग ने बाइक पर जा रहे एक महिला और पुरुष को टक्कर मार दी थी, जिसकी वजह से उनकी मौके पर ही मौत हो गई थी। ये घटना होने के बाद में कार बेकाबू होकर एक दूसरी गाड़ी को टक्कर मारते हुए रेलिंग से टकरा गई थी। तो वहीं इस घटना में कोर्ट ने मात्र 15 घंटों के भीतर आरोपी को मामूली शर्तों के साथ जमानत दे दी थी, जिसमें निबंध लिखने और पुलिस के साथ काम करने की बात कही गई थी। कोर्ट के इस मामूली फैसले को लेकर सोशल मीडिया पर आक्रोश फैल गया था। तुरंत जमानत मिलने पर बीजेपी और विपक्षी नेताओं के बीच वाकई युद्ध शुरू हो गया था। हालांकि पुलिस ने अपने आदेश की समीक्षा के लिए फिर से किशोर न्याय बोर्ड से संपर्क किया है, जिसके बाद 22 मई को नाबालिग की जमानत रद्द कर दी गई थी। वहीं आजकल देश में ज्यादातर सड़क हादसे शराब पीकर वाहन चलाने से होते हैं, तो ऐसे में ये जानना जरूरी हो जाता है कि भारत के कानून में नाबालिग द्वारा अपराध के मामले में क्या है प्रावधान, भारत में शराब पीने की कानूनी उम्र क्या है और नशे में गाड़ी चलाने को लेकर क्या कानून है। आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि भारत में शराब पीने की कानूनी उम्र क्या है। भारत में हर राज्य में शराब पीने की कानूनी उम्र अलग अलग है। आमतौर पर ये 18 से 25 साल के बीच है। वहीं गुजरात, बिहार, नागालैंड और मणिपुर जैसे कुछ राज्यों में शराब पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा हुआ है। राजस्थान, गोवा और दूसरे कई राज्यों में शराब पीने की कानूनी उम्र 18 साल है, जबकि कुछ राज्य 21 साल या उससे अधिक उम्र वालों को शराब पीने की अनुमति देते हैं। नशे में गाड़ी चलाने को लेकर क्या है कानून। मोटर वाहन अधिनियम की धारा 185 के अनुसार वाहन चलाते हुए अगर किसी व्यक्ति के 100 मिलीमीटर खून से 30 मिलीग्राम शराब या नशीली दवाओं की मात्रा पाई जाती है तो उसे नशे में वाहन चलाने का दोषी पाया जाता है। पहली बार अपराध करने पर ड्राइवर को 6 महीने तक की कैद या फिर ₹10,000 तक का जुर्माना या दोनों का सामना करना पड़ सकता है। साथ ही उसका ड्राइविंग लाइसेंस भी निलंबित किया जा सकता है। दुर्घटना में क्षति के आधार पर अलग अलग है प्रावधान। पहली सजा के 3 साल के भीतर के अपराधों के मामलों में आरोपी को 2 साल तक की कैद या फिर ₹15,000 तक का जुर्माना हो सकता है। अगर नशे में वाहन चलाने से किसी को चोट लगती है तो अपराधी को 2 साल तक की कैद या फिर ₹5,000 तक का जुर्माना लग सकता है। अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो अपराधी को जुर्माने के साथ साथ 2 से 7 साल तक की सजा हो सकती है। नाबालिग द्वारा अपराध के मामले में क्या है प्रावधान। अगर अपराधी नाबालिग है तो मोटर वाहन अधिनियम की धारा 199A के अनुसार नाबालिग के पेरेंट्स या वाहन के मालिक को दोषी माना जाएगा और सजा दी जाएगी। मालिक या फिर अभिभावक को 3 साल तक की कैद और ₹25,000 तक का जुर्माना हो सकता है। वाहन का पंजीयन भी 12 महीने के लिए रद्द किया जा सकता है। नाबालिग को 25 साल का होने तक ड्राइविंग लाइसेंस नहीं आवंटित किया जाएगा। नाबालिग को लेकर और क्या है प्रावधान। कानून के मुताबिक अगर अभिभावक या फिर मालिक ये साबित कर पाए कि अपराध उनकी जानकारी के बिना हुआ है या फिर अपराध को रोकने के लिए उन्होंने सभी उचित कदम उठाए थे, तब ही उनको इस तरह के अपराध के लिए दोषी नहीं ठहराया जा सकता है। कानून में इस बात का जिक्र है कि ऐसे मामलों में सुनवाई करने वाली कोर्ट ये मान लेगी कि नाबालिग ने वाहन का इस्तेमाल अभिभावक या फिर मालिक की सहमति से किया है। फिलहाल खबरों में बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।